हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक और पियानो एक्सरसाइज के बारे में जो आपको हेल्प कर सकती है अपने किसी भी सॉन्ग, किसी भी म्यूजिक पीस को और भी अट्रैक्टिव और भी वेरिएशंस के साथ प्ले करने में। इसी तरह से इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं पियानो एक्सरसाइज पर, एंड इसके पहले हमने एक और लेटेस्ट वीडियो बनाया था जो था फास्ट फिंगर पियानो एक्सरसाइज। तो आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो आप जाकर ज़रूर देखें, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड ऊपर कार्ड्स के बटन में दी हुई है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एंड जानते हैं इस न्यू एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें एंड एंड तक देखें, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप इसे सही से नहीं देखते हैं, सही से नहीं समझते हैं, तो इसके आउटकम्स आपको नहीं मिलेंगे। और इसी तरह से मैं वीडियो में आपको एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ, कुछ डेमोज देने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके अपने सॉन्ग में किस तरह से इसको वेरिएशन में ऐड कर सकते हैं, किस तरह से इसका एक फिलर बना के ऐड सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ। तो यहां पर इस एक्सरसाइज को प्ले करने के लिए हम सभी कीज का यूज करने वाले हैं। तो यहां पर आप कोई भी की से इसे शुरू कर सकते हैं। यहां पर आपको पर्टिकुलरली कोई भी स्केल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये पियानो एक्सरसाइज है, मतलब आपकी एक फिंगर ओपन करने के लिए, फिंगर फ्री करने के लिए एक्सरसाइज है। तो आप यहां पर कोई भी की से शुरू कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि एक्सरसाइज किस तरह से प्ले की जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को शुरू किया। तो यहाँ पर हमने सभी कीज़ को यूज़ किया है पूरे ऑक्टेव में, मतलब आप ऑक्टेव में कोई भी की से इसे शुरू कर सकते हैं, जो भी की से आप शुरू करना चाहें। तो बेसिकली अब हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को देखते हैं कि आप स्लो में किस तरह से प्ले करेंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ से जी शार्प की स्केल से अगर इसे स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं आपको किस तरह से यहाँ पर स्टार्ट करना है स्लोली, इस तरह से। तो जो एक सेट बनेगा उसको आपको चार बार प्ले करना है। तो आपको इस एक्सरसाइज में एक ही बात का ध्यान रखना है, आप जिस भी की से चालू करते हैं तो उसके पहले वाली और उसके बाद वाली की है उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये हमारी सेंटर की हो गई, मतलब कि हमारी सेंटर वाली की हो गई। आप किसी भी की से शुरू कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से मुझे सबसे पहले आगे जाना है, फिर वापस पीछे आना है, फिर वापस पीछे जाना है, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा एक सेट कंप्लीट होता है जब हम इस पर्टिकुलर वेरिएशन को चार बार प्ले करते हैं। तो यहाँ से मैंने शुरू किया, ये हमारी सेंटर की हो गई, आपको किसी भी सेंटर की को सबसे पहले ले लेना है। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये फर्स्ट की हो गई, फर्स्ट आपको यहाँ पर प्रेस करना है, उसके बाद एक की आपको यहाँ पर आगे जाना है, आगे से वापस आपको सेंटर में जाना है, सेंटर से वापस पीछे आना है। तो ये सेम आपको फॉलो करना है सभी कीज़ के साथ, मतलब आपकी 12 की 12 कीज़ के साथ आपको ये सेम मेथड को फॉलो करना है। जैसा कि मैंने फर्स्ट सेट यहाँ पर कंप्लीट किया तो सेकंड सेट में अब यहाँ से शुरू करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर फर्स्ट सेट को कंप्लीट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको अलग अलग सेट बनाने हैं। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है, जिस भी की से चालू करें तो आपका जो फर्स्ट की बनेगा वो सेंटर की बनेगा, एंड उसके बाद आप जब भी सेकंड सेट पर जाते हैं, मतलब कि सेकंड नोट पर जाते हैं, तो आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि जो आपने फर्स्ट की का जो लास्ट है वहाँ से आपको शुरू करना है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर एंड किया है तो जो अपना सेकेंड सेट चालू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, एंड उसके बाद वो सेंटर में जाएगा, एंड उसके बाद हमारी पूरी पैटर्न बनेगी। तो इस तरह से आपको
पूरे ऑक्टेव में इसे प्रैक्टिस करना है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें। एंड अगर आप इसे सही से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको इसके आउटकम्स नहीं मिलेंगे। तो आइए अब देखते हैं डेमो कि अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी सॉन्ग या फिर किसी भी म्यूज़िक में इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी एक सॉन्ग प्ले करूँगा एंड उस सॉन्ग को मैं बिल्कुल बेसिक पैटर्न के साथ, मतलब जैसा वो सॉन्ग ट्यूटोरियल में प्ले किया जाता है, एक सिंपल मेथड के साथ उसे प्ले करूँगा। तो आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बेसिक में प्ले किया एंड किस तरह से उसमें मैंने और डिफरेंट वेरिएशंस को ऐड किया एंड उसको और थोड़ा अलग से प्ले किया। तो आप इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें मैं आपको डेमो बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो आप किस तरह से अपने किसी भी सॉन्ग या फिर किसी भी म्यूज़िक में उसे यूज़ कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी रिदम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले किया है एक बिल्कुल सिंपल वेरिएशन के साथ, मतलब इसमें कोई भी मैंने एक्स्ट्रा वेरिएशंस को ऐड नहीं किया है। जैसा ये प्ले किया जाता है, जैसा आप ट्यूटोरियल में देखते हैं, जैसा आप बेसिक प्ले करते हैं, उसी तरह से मैंने इस पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले किया है। बट अब इसी सॉन्ग को आप फिर से सुनिए, मैं एक डिफरेंट वेरिएशन के साथ इसे किस तरह से प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने एक सिंगल लाइन में अलग अलग वेरिएशन को प्ले किया है। तो अब हम देखते हैं जो हमने सिंपल प्ले किया था वो कैसे प्ले किया जाता है। तो ये एकदम सिंपल मेथड है जैसे हम किसी भी सॉन्ग को प्ले करते हैं। बट अगर आप अपने वेरिएशंस डालना चाहते हैं, अपने थोड़े फिलर्स डालना चाहते हैं एंड सॉन्ग को और थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से बनाएंगे? तो अब इसी सॉन्ग को मैं प्ले करूंगा वेरिएशन के साथ। तो आइए अब समझते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पर इस एक्सरसाइज का यूज़ किया है एंड किस तरह से मैंने यहाँ पर वेरिएशंस का यूज़ किया है। तो हम नॉर्मली इस सॉन्ग को यहाँ से शुरू करते हैं, बट मैंने इसके नीचे का नोट यहाँ पर लिया है एक नॉर्मल फिल देने के लिए, एक नॉर्मल फिलर देने के लिए, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इस पर्टिकुलर सॉन्ग को एकदम सिंपल वे में नहीं शुरू किया है, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के फिलर लिए हैं। तो जो सबसे पहला फिलर है वो यहाँ पर लिया है, सेकंड फिलर मैंने यहाँ पर लिया है। नॉर्मली सॉन्ग में ये की आती है, बट यहाँ का जो नीचे का नोट है इसे भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया एक फिल देने के लिए। एंड उसके बाद जो सबसे लॉन्ग फिलर है यहाँ पर, जो सबसे लंबा फिलर है, वो कुछ यहाँ पर इस तरह से है, जैसा कि हमको यहाँ पर पॉज लेना पड़ता है कुछ इस तरह से। तो ये जो पॉज हम नॉर्मली लेते हैं किसी भी सॉन्ग में, तो उसको मैंने ज़्यादा पॉज नहीं देकर मैंने कुछ और कीज़ का यहाँ पर ऐड किया है ताकि मैं और भी वेरिएशंस यहाँ पर उस टाइमिंग में ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा पॉज नहीं लिया, उसके बदले में मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह के वेरिएशन लिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ से शुरू किया एंड सभी कीज़ का यहाँ पर यूज़ किया एंड जो नेक्स्ट लाइन की फर्स्ट की है, मतलब जो नेक्स्ट लाइन का हमारा सबसे पहला नोट है, मैंने डायरेक्ट वहाँ पर जाकर स्टॉप किया एंड वहाँ से ही उसी लाइन को शुरू कर दिया। तो ये एकदम बिल्कुल स्मूथ वे में इस सॉन्ग को मैंने यहाँ से फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक लेके गया, मतलब ये ट्रांजेक्शन आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने किसी भी सॉन्ग में, किसी भी म्यूज़िक में इस तरह के फिलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक वेरिएशन का एक और डेमो बताता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर की को इस तरफ लेके गया, बट इसी में मैं सेम चीज़ में मैं एक और डिफरेंट वेरिएशन ऐड करूँगा, मतलब सेम टाइमिंग पर मैं एक और वेरिएशन यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ। तो आप दोनों को वन बाय वन देखें, जो सबसे पहला जो वेरिएशन होगा वो जो हमने नॉर्मली प्ले किया वो, बट जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें मैं थोड़ा अलग से वेरिएशन लूँगा। तो आइए देखते हैं।
तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सॉन्ग में आपने और दो तीन वेरिएशन देखे होंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने जो फर्स्ट वेरिएशन लिया था वो कुछ इस तरह से था। यहाँ पर हमारा फर्स्ट वेरिएशन खत्म होता है, बट सेम लाइन में मैंने एक और वेरिएशन लिया कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके पहले हमने प्ले किया था वो भी सेम लाइन है और ये भी सेम लाइन है, बट दोनों में हमने किस तरह से डिफरेंट वेरिएशंस का यूज़ किया है, डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर इसी तरह से अपने भी कुछ वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने किसी भी सॉन्ग किसी भी म्यूज़िक में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज बता दी कि आपको किस तरह से उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। अब हम उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे मेट्रोनॉम के साथ। तो इसके पहले मैंने एक और वीडियो में बताया था कि आपको मेट्रोनॉम के साथ किस तरह से उसे प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेम्पो सेट कर लेता हूँ अराउंड 80 मेट्रोनॉम के लिए। तो अब हम मेट्रोनॉम स्टार्ट करेंगे एंड उस एक्सरसाइज को प्ले करेंगे मेट्रोनॉम की बीट के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को मेट्रोनॉम के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि आप किसी भी बीट के साथ या फिर किसी भी मेट्रोनॉम के साथ प्रैक्टिस करें, ताकि आपको टाइमिंग का पता चले कि आपको कौन से पॉइंट पर, कौन सी बीट पर या फिर कौन से BPM पर आपको पर्टिकुलर की को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको अगर और भी डिटेल्स चाहिए इसके लिए, तो हमने जो एक लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमें इसी प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में समझाया कि किस तरह से आप एक नोट कर सकते हैं मेट्रोनॉम को, कि आपको एक डेट नोट करनी होगी कि आप कौन सी पर्टिकुलर डेट से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं एंड आपको उसके सामने मेट्रोनॉम लिखना है कि अगर आप 80 से स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डेट से तो आप कितनी डेट तक और कितने सारे मेट्रोनॉम को आप क्रॉस करते हैं, मतलब कितने मेट्रोनॉम बढ़ाते जाते हैं। तो आपको एक ही मेट्रोनॉम को कम से कम 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करना है एंड उसके बाद आप उसमें 5 या फिर 10 मेट्रोनॉम बढ़ा सकते हैं आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग एंड आपके प्रैक्टिस के ऊपर है वो आप किस तरह से उसके बढ़ाते हैं, किस तरह से उसे कम करते हैं। तो आज के बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड ये एक्सरसाइज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड इसी के साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर, फेसबुक पर एकॉस्टिक म्यूजिक लाइब्रेरी एंड इंस्टाग्राम पर भी एकॉस्टिक म्यूजिक लाइब्रेरी से अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।